नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। विश्व शांति का लक्ष्य भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर ही प्राप्त हो सकता है। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हो। हर भाई चाहता है कि उसका भाई भगवान श्री राम की तरह हो। सभी प्रजा चाहती है कि उसको राजा राम की तरह राजा मिले। हम ओम लोक आश्रम के श्री ईश्वम जी की सराहना करते हैं कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों को समाज में स्थापित करने के लिए एक मंदिर और गुरुकुल की स्थापना करने का फैसला किया है। अच्छे राज्य के लिए अच्छे समाज का होना जरूरी है और अच्छे समाज के लिए मूल्यों पर लोगों की आस्था होना जरूरी है। सनातन धर्म व्यक्ति को मूल्यों से जोड़ता है और वर्तमान में सनातन धर्म को मजबूत करने एवं इसको संगठित स्वरूप देने की आवश्यकता है। भारत के बहुत सारे मनीषी सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। ओम लोक आश्रम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राण प्रण से रत है और इसी को मुख्य मकसद में रखकर सदैव राम के नाम से एक आध्यात्मिक महासमागम आयोजित कर रहा है। इस महासमागम का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 11 जून को शाम 4 बजे आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी शिरकत करेंगे। इसके अलावा गीतकार मनोज मुंतसर, पंजाबी गायक दलेर मेहंदी, भजन सम्राट अमरजीत सिंह बिजली, संत शिरोमणि महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरिजी महाराज, निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार, संत शिरोमणि महामंडलेश्वर बालकानंद गिरिजी महाराज, आनंद अखाड़ा लोकसभा सांसद एवं ग्रामीण विकास खाद्य एवं विपणन मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, लोकसभा सांसद और डाक तार एवं संचार राज्य मंत्री देवू सिंह, लोकसभा सांसद और वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किराड़ जी, पूर्व जस्टिस महामहिम सुधीर अग्रवाल, लोकसभा सांसद हंस राज हंस, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, यूपी सरकार में पूर्व मंत्री स्वाति सिंह इस आध्यात्मिक महासमागम में शामिल होंगे। इस समागम में सभी आगंतुकों के व्याख्यान होंगे। कार्यक्रम में शामिल लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। बटुकों की ओर से शंखनाद और स्वास्ति वाचन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, साथ ही झांकियां भी निकाली जाएंगी और इस दौरान दीक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।